अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डिकोड गेमर्स यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वाली वीडियो हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में जो है वो हम लोगों ने अपना ये माउंटेन थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया था। इधर जो है वो एक स्टेयरकेस मैंने बनाया था, उसके अलावा यहाँ पर जो है मैंने एक वॉल बहुत लंबी सी बनाई थी। फिर हम लोगों ने जो है वो अपना ये डर्ट वाला एरिया एक्सपेंड किया था। पहले जो है ना ये यहाँ से आ रही थी वॉल, इधर से होके ना वहाँ तक जा रही थी। ये वाला एरिया नहीं था, ऐसे थोड़ा खो होके ना उधर को जा रहा था। ये फार्म भी इसलिए मैंने छोटा बनाया हुआ था, लेकिन अभी जो है ना इस फार्म को मुझे करना है ख़त्म और डर्ट में आगे कर लेता हूँ पहले, ताकि जो है ना मैं इजीली इसको ख़त्म कर लूँ और उसके बाद जो है ना इसको मैं कहीं और जाके बनाता हूँ। और अभी जो है ना इसको मैं थोड़ा, बल्कि इसको तो हमने ऊपर बनाना था सच, नीचे जो है ना आज हम लोग बनाने वाले हैं कुछ स्टॉल्स। जैसा कि हम लोगों ने पहले थोड़ी बहुत प्लानिंग की हुई थी इसकी, कि नीचे की साइड पर जो है ना अपने स्टॉल्स आ जाएंगे, जहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह हम लोग कर सकते। एक ट्रेडिंग हॉल टाइप ही बन जाएगा, लेकिन एक हॉल नहीं होगा ये, थोड़ी एक मार्केट टाइप होगी जहाँ पर जो है विलेजर्स के वर्क स्टेशन सारे नीचे होंगे और वही जो है ना आज हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना ये वाला यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले जो है ना मैं अपनी लास्ट टाइम वाली इन्वेंट्री तो खाली कर लूँ, और मुझे जो है ना थोड़ी बहुत वुड भी चाहिएगी। तो वुड भी मुझे जो है ना वो बारी बारी जाकर लानी पड़ेगी। ये डार्क को आगे रख लेता हूँ मैं, ये वाला नहीं चाहिएगा और ये भी नहीं चाहिएगा। थोड़ी बहुत स्प्रूस में मैं ले आता हूँ, मैंने जो है वो ट्रीज अपने आस पास भी एक बड़ा वाला ट्री उगाया था, ताकि जाना मुझे दूर ना जाना पड़े, क्योंकि दूसरी स्प्रूस जो है ना थोड़ी पीछे की साइड पर करके है, इसलिए जाना ट्री पास होना चाहिए। कि ये भी अपना ट्री था, लेकिन इसको मैं तोड़ने के लिए नहीं लगाया हुआ, यहाँ पर मैंने एक लगाया बड़ा। इसे तकरीबन एक डेढ़ स्टैक निकल ही आता इजीली। ऑलरेडी गाइस, यहाँ पर जाना मैंने अपनी वुड वगैरह तो कलेक्ट कर ली थी, लेकिन उसी के साथ ना मैंने यहाँ पर दो मॉडल्स भी बनाए हैं अपने स्टॉल के। यानी कि एक थोड़ा बहुत मैंने आइडिया वगैरह लगाया है कि किस तरह से जाना हम लोग अपना स्टॉल बना सकते हैं। एक तो ये मैंने स्टॉल बनाया, इसके अभी इंटीरियर की थोड़ी बहुत डेकोरेशन में और कर सकता हूँ, वो मैंने अभी नहीं की। और एक मैंने अपना ये बनाया है, इसको हम लोग फार्मर का कर देंगे। दो दो यहाँ पर कम से कम दो से तीन वर्क स्टेशन ना इजीली आ सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा ना कि हम इसको ज़्यादा बना लेंगे, कि ये वाला जो अपना एरिया ना कम से कम ये पूरा ही अपना स्टॉल्स का हो जाए, और ये इस घर को मैं कर दूंगा ख़त्म, और इस साइड पर भी अपने स्टॉल्स आ जाएंगे। मतलब ये पूरी एक मार्केट बन जाएगी, और इधर जो है ना बीच में भी मैं कुछ ना कुछ तो सिस्टम एक लगा दूंगा अच्छा सा। लेकिन अभी जो है ना मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो अपना बन चुका है ना अपने जो है ना ये वर्क स्टेशन, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि एंड पे लगाऊंगा। अभी जो है ना मैं क्या करता हूँ कि थोड़े बहुत ना और भी ये बना लेता हूँ, एक और बना बना के जो है ना मैं आप लोगों को दिखाता जाता हूँ कि ये जो है ना किस तरह के बन रहे हैं। ये जो है ना तीनों सेम ही है, 3x3 का इनमें एरिया बीच में, और साइड्स पे जो है ना थोड़ी बहुत डेकोरेशन है, ऊपर वूल लगी हुई है। फूल का जो है ना मैं कलर सोच रहा हूँ चेंज कर दूँ सारों का, डिफरेंट डिफरेंट रखूँ, ताकि जो है ना थोड़ा बहुत डिफरेंस भी रहे। लेकिन अभी जो है ना मैं क्या कह रहा हूँ कि हम जो है ना थोड़ा बहुत एक पाथ बना लेते हैं अपने लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना डर्ट से गुजारा नहीं होगा अपना। तो मुझे जो है ना यहाँ पर अपने लिए एक स्टोन का पाथ बनाना पड़ेगा, ताकि थोड़ी बहुत जो है ना हमें मार्केट वाली लुक भी आए इसमें। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा बहुत मैं इस तरीके से हटा लेता हूँ इसको, और इधर जो है ना ये वाला सिर्फ, अबे यार रात को जो है ना यहाँ पर मॉब्स वगैरह काफ़ी स्पॉन हुए पड़े थे, तो मुझे जो है ना इसको तो उड़ाना पड़ेगा। वहाँ पर अपना क्रीपर भी स्पॉन होया है, तो ये ना है कि वो जो है ना वो आकर मुझे यहाँ पर पीछे से ही जो है ना वो उड़ा दे। तो इस पाथ से जो है ना मैं इसको कनेक्ट करता हूँ इधर से। ओके, इस साइड पर इस तरह से बहुत है, डर्ट को कलेक्ट कर लेते हैं, डर्ट की जो है ना वो ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ से ये भी उठा लेते हैं, ये भी उठा लेते हैं। भाई मैं जो है ना पहले उस क्रीपर से लड़ रहा हूँ, उसके बाद जो है ना हम लोग अपना करते हैं। यहाँ पर जो है ना ये क्रीपर मुझे लग रहा है इसने फट ही जाना है। ओके, तो नॉक बैक है, ये अच्छी बात है। इससे जो है ना क्रीपर से काफ़ी फ़ायदा होता है कि वो जो है ना वो उड़ के पीछे चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा बहुत मैंने अपना ये तो क्लियर कर लिया है। अभी जो है ना यहाँ पर मैं कुछ अपने पाथ बनाना स्टार्ट करता हूँ। इधर जो है ना मैं रैंडम से इस तरह से ब्लॉक्स लगा दूंगा, क्योंकि ये जो है ना थोड़े बहुत अच्छे लगेंगे, मतलब थोड़े बहुत नहीं, ज़्यादा ही अच्छे लगेंगे।
को यहाँ से थोड़ा सा एच भी दे देते हैं, तो चाहे इधर लगा देते हैं, थोड़े बहुत इधर लगा देते हैं। ओके तो गाइस यहाँ पर जाना अपना ये वाला पाथ कंप्लीट हो चुका है। इधर से जाना मैंने एक स्लैब पहले की लगी थी, इसको ज़्यादा थोड़ा मैं सीधा कर दिया। और यहाँ पर जाना आते साथ ही अपना एक स्टॉल लेफ्ट साइड पे है, फिर एक सामने की साइड पे है, फिर लेफ्ट पे है, फिर राइट पे है, एक स्टॉल यहाँ पे। और यहीं से जो है ना हमारा पाथ भी होके जा रहेगा। अगर मैं इसको यहाँ से डेक डाउन भी कर दूँ ना तो थोड़ा बहुत आइडिया अच्छा हो जाएगा हमें पाथ का। मेरे पास जो है ना अभी वो एंड साइड खत्म हो गया, मुझे है ना वो भी लाना पड़ेगा जाके माइन से अपनी। यहाँ पर जाना इस तरीके से आएगा, ये हमारा लास्ट स्टॉल रहेगा। अगर और जगह बच रही है ना उसमें मैं थोड़ी बहुत डेकोरेशन वगैरह कुछ बैरल टाइप कोई कुछ मैं बना दूंगा वहां पे, सिटिंग एरिया है इस तरह का। तो यहाँ पर जाना भी अपना ये मार्केट को थोड़ा बहुत इस साइड को कम्प्लीट करता हूँ, फिर जाना अपनी चलते हैं उस साइड पे। और गाइस तो यहाँ पर जाना अपनी सारी बिल्ड कम्प्लीट हो चुकी है। यहाँ पर जाना यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाना शुरू करता हूँ। इधर जो है मैंने अपना एक छोटा स्टॉल बनाया है। अभी जाना है इनमें मैं किसी में वर्क स्टेशन वगैरह नहीं लगाए, तो वो जाना मैंने अभी लगाने हैं। यहाँ पर जाना मैंने एक माउंटेन के अंदर एक छोटा सा स्टॉल बना दिया। दरवाजे के अंदर कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर जाना मैंने दिखाने के लिए दरवाजे लगाए हैं कि ये जो है हाउस के बाहर कोई शॉप वगैरह बनी हुई है। और उसके बाद जाना अपनी मार्केट की एक एंट्रेंस यहाँ से भी देनी थी मैंने। मेरे पास जो है ना सामान थोड़ा कम पड़ा हुआ है अभी। यहाँ पर जाना कुछ चेस्ट वगैरह रखी हैं, कुछ मैंने इस तरह के पॉट्स रखे हैं, कुछ लैंटर्स वगैरह लगाए हुए हैं। इसी तरीके से अपना सेकंड स्टॉल है, दो साइड में है, तीसरा ही है, चौथा ही है, फिफ्थ वाला मेरा ये है, सिक्स सेवन है, टोटल ना 8 स्टॉल्स बने अपने। और अभी जाने इस हाउस की जगह पे भी बनेंगे, तो ये हाउस जो है ना मुझे ब्रेक करना अभी नहीं स्टार्ट करना, इसको मैं तब ब्रेक करूंगा जब अपना ऊपर वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, ताकि जो है ना अपने विलेजर्स के पास रहने के लिए भी कुछ थोड़ी बहुत जगह आए। और अभी जाना मुझे क्या करना है कि यहाँ से जाना वो वर्क स्टेशन सारे उतार के मुझे लगाना है बाहर की साइड पे। तो मैं जाने तो वो सामान अपना ऊपर कर देता हूँ, ताकि जाना ये यहाँ पर नीचे ही मेरा आता रहे। तो मुझे जैक्स भी चाहिए होगी, तो अगर दो दो भी हमारे पास एक के वर्क स्टेशन हो ना तो मैं इजीली कर लूंगा। और इधर जाना मुझे थोड़ा बहुत लाइटिंग का भी इशू हो रहा है, तो मैं ना नेदर से वो लेकर आ सकता हूँ अपने ग्लो स्टोन। एक कंपोस्टर मैंने तोड़े थे, वो मेरे ख्याल से दोबारा बनाने पड़ेंगे मुझे, डिस्पॉन वगैरह ना हो गए हैं। इधर पड़े हैं, नहीं इधर भी नहीं पड़े। यहाँ से ये वुड ले लेते हैं, ये वुड ले लेते हैं, पर इसका जाना बना लेता हूँ एक कंपोस्टर, एक नहीं बल्कि ज़्यादा चाहिए होगा। ये थोड़ी बहुत वुड और भी पड़ी है। और ये तो गाइस यहाँ पर जाना अपनी सारे वर्क स्टेशन कम्प्लीट हो चुके हैं। इधर जाना मैं दो स्मोकर्स रखे हैं, यहाँ पर दो स्मिथिंग टेबल्स हैं अपनी। इधर आते जाओ तो इस साइड पर अपनी ये है, एक कोल्ड्रन है, एक स्टोन कटर है, दो दो ही मैंने कुछ रख दिए हैं। ये दो कोल्ड्रन यहाँ पर रख के ना सिर्फ दो ब्लॉक की स्पेस बच रही थी। स्टोन कटर जो है ना थोड़ा बहुत फिर सही लग रहा है यहाँ पे। इधर जो जगह ज्यादा थी इधर मैंने तीन लैक्टन रख दी है। यहाँ पर अपने ये कंपोस्टर है, एक ग्राइंड स्टोन की भी जगह बन रही थी। इधर अपनी दो ये है, एक कार्टोग्राफी टेबल है। इस साइड पे अपनी ये ब्रोइंग स्टैंड है, एक ग्राइंड स्टोन हो गया यहाँ पे, और दो हो गए यहाँ पे अब टोटल। और इस साइड पे अपनी फ्लैचिंग टेबल है। और यहाँ पर जो है ना लूम है, लूम एक ही है क्योंकि लूम की जगह नहीं इतनी बन रही थी। और अभी जो है ना यहाँ पर थोड़ा बहुत काम रहता है अपना, वो है यहाँ पर बैनर्स का। तो बैनर से भी जो है ना अपना थोड़ा बहुत काम सही हो जाएगा, यानी कि स्टॉल थोड़े अच्छे लगेंगे। तभी ना जल्दी से मैं इनमें बैनर्स भी लगा देता हूँ। और तो गाइज यहाँ पर जो है ना अपनी मार्केट का बैनर्स वाला भी काम कम्प्लीट हो चुका है। और अब जो है ना सिर्फ एक छोटा सा काम रह गया है, वो है यहाँ पर डेकोरेशन का। डेकोरेशन के लिए जो है ना मुझे कुछ बोन मील चाहिए होगी, और वो जो है ना वो मुझे अपने उस स्केलेटन फार्म से मिल जाएगी इजीली काफ़ी ज़्यादा। तो उसको जो है ना वहाँ से ले आता हूँ जल्दी से जाके, क्योंकि अब जो है ना सिर्फ उसी का काम रह गया है और उसके साथ थोड़ा बहुत डेकोरेशन का भी रह गया है, तो अभी जो है ना मुझे जल्दी से करना पड़ेगा। अभी यार एंडरमैन यहाँ पर क्यों फंसे हुए हैं? यहाँ पर भी अभी मैंने उसकी तरफ देख लिया, शुक्र है उसने नोट नहीं किया। और मैं इतने लंबे रास्ते से क्यों जा रहा हूँ भाई? यहाँ पर जाना मुझे बोन मिल लेके आनी पड़ेगी। इधर मेरे ख्याल से ना कुछ बोन्स रखी थी, नहीं वहीं से लानी पड़ेगी। तो गाइज यहाँ पर जाना अपनी मार्केट पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और पहले ये आम सादा सा दिखने वाला विलेज अब इतना ओपी मार्केट बन चुकी है इसकी। और अभी जो अपना विलेज मतलब हाउसेस वगैरह टाइप ऊपर बनेंगे, उधर ही अपना फार्म भी बना दूंगा मैं जो हमने यहाँ से उतारा था। लेकिन यार टर्न आउट बहुत ही अमेजिंग होया है। अभी जाना इस साइड का इतना कुछ होया नहीं है, यहाँ पर भी अभी
बहुत कुछ आ सकता है, दो तीन स्ट्रॉल्स यहाँ पर भी आ सकते हैं, लेकिन वो आएंगे इस घर के यहाँ से जाने के बाद। क्योंकि अभी जाने से, अभी यार ये मुझे आर्मर मिला है, मेरा आर्मर जाना वो टूटने वाला है, तो मैं यहीं से पहन लेता हूँ, एक इसको उतार लेते हैं। अच्छा मुझे बूट्स चाहिए थे असल में, बूट्स तो वहां पर भी टूटे हुए पड़े हैं। ओके तो मेरी ये लेगिंग भी हो चुकी है, सर नहीं पड़ा यहाँ पे उसकी खैर है। ओके तो यहाँ पर जो है ना हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में इसका ऊपर वाला भी पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए जो है ना वो अपने विलेजर्स को मैंने अंदर ही रखा हुआ है। एक ही दफा जो है ना हाउसेस कंप्लीट करने के बाद हम लोग इनको खोलेंगे, क्योंकि अगर अभी खोल दिया ना तो इनका ऊपर जाना थोड़ा बहुत इतना मुश्किल हो सकता है। अभी वैसे वर्क स्टेशन मैंने यहाँ बहुत ज्यादा लगा दी है, उस हिसाब से विलेजर जो है ना यहाँ पर कम है, तो हमने जो है ना अभी एक और एपिसोड वेट करना पड़ेगा ताकि जाना ऊपर वाला भी एक ही दफा काम कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद हम लोग अपने इस विलेज को मतलब पूरा 100% कंप्लीट करते हैं। तभी तो जाना आप लोग इस एक मार्केट का भी एक दफा सिनेमैटिक शॉट्स में भी टूर ले लो। और अरे तो गाइज यहाँ पर जाना अपना ये मार्केट काफी अच्छी बन गई है, इस हाउस की जगह जाना कुछ करना पड़ेगा, और यहाँ पर जाना कुछ बीच भी आ गई, तो मैंने यहाँ पर कोई एक बी आई बना के लगा दिया। अपने पास जो है ना हनी के लिए वहां पर भी एक बी आई था, अगर यहाँ से नजर आ रहा हो तो उस साइड पे करके था एक बी आई, बी नेस्ट था, तो यहाँ पर जाना बी आई मैंने एक लगा दिया। इनको जाना इसी फ्लावर से हम लोग ब्रीड भी करवा सकते हैं ताकि जाना इनकी थोड़ी आबादी बढ़ जाए यहाँ पे, और यहाँ पर जाना फ्लावर्स की वजह से काफी अच्छी भी लगेंगी बीज। इनका जाना था वो तो और प्यारा घर होना चाहिए था वैसे, लेकिन अभी के लिए ना मार्केट काफी अच्छी बन गई है। इसकी इस साइड को भी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में पूरा करेंगे, क्योंकि तब तक हमारे पास ये वाली जगह भी आ जाएगी, तो इधर भी जाना हम एक ट्रैक वगैरह बना के इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। आज की इस वाली वीडियो के इतना ही, आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।